जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन होस्ट हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ITBP टेलीकम्युनिकेशन का जो PET और PST यानी जो फिजिकल जो चल रहा है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जो लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है एग्जाम सेंटर पे वो लेके जाना है, हम आपको जो है वो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल सके। दोस्तों आप जो है डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या लेके जाना है हम आपको एकदम कंप्लीट जानकारी बताएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एग्जाम सेंटर्स पे, जो भी वहाँ पे फिजिकल सेंटर आप जाएंगे वहाँ पे कोई दिक्कत न होने वाली हो डॉक्यूमेंट्स की वजह से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट आ जाता है वो हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है। तो तुम्हें आपको एडमिट कार्ड जो है वो लेके कंपलसरी, और आपको पता है एडमिट कार्ड सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड कर लिया होगा। अगर डाउनलोड आपने नहीं किया होगा तो आई बटन पे यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप आई बटन पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का एडमिट कार्ड अभी जो है वो जारी नहीं हुआ है, मतलब कुछ लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ है, धीरे धीरे सभी का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा एडमिट कार्ड आ गया, आपको एडमिट कार्ड के दो कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, मतलब आपको जो कलर फोटोकॉपी निकलवा लेनी है आपको ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके जाइएगा, मतलब हो सकता है आप दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप कलर ले लेंगे तो ज्यादा बेटर होता है कि फोटो वोटो में अगर देखने में जो आसानी होती है। तो दोस्तों हमारा जो हो गया पहला डॉक्यूमेंट हमारा हो गया एडमिट कार्ड, जो कि आपको कलर लेके जानी है, दो दो कॉपी होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को आपका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था वो वहाँ पे, जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सेक्शन कुछ बन के आएगा। मैंने बताया वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ बना होता है और आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड का बना होता है। सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे क्लिक करेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है ब्लैक एंड व्हाइट, वो चल जाएगा। दोस्तों इसको नीचे आ जाना, आप देख ले सकते हैं। जो हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट दोस्तों है ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपके साथ एक होनी चाहिए। ये जो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो है इसको ध्यान देना आपको, जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है आपको फोटो कॉपी नहीं लेके जानी है, आपको ओरिजिनल फोटो लेके मतलब आईडी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आपकी फोटो जो है एकदम साफ साफ दिख रही हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म एडमिट कार्ड में भरा है उससे आपका स्पेलिंग एक जो है वो मिसमैच ना हो, एकदम करेक्ट आपका मिलता हो। दोस्तों आप एडमिट कार्ड के साथ जो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है वो जो है आधार कार्ड मिला लीजिए, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जिसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है नाम और फादर्स नेम एकदम सही हो उसको ही आपको लेके जाना है। जो भी आप सही हो आधार कार्ड ले सकते हैं और पैन कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी आप इसमें ले सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं नीचे, अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ले सकते हैं, DL लेके जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फोटो है। तो फोटो हमको जो है 4 से 5 फोटो जो है वो ले लेनी है, 4 से 5 फोटो आपका रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फोटो अगर हम तो कहेंगे कि आप 10-12 फोटो रख लें तो एग्जाम जो है फिजिकल सेंटर पे वो दिक्कत नहीं होती है। फोटो जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा आपको, 4 से मतलब 10-12 फोटो कहाँ पे तो आपको रखी लेनी होती है। या हो गया हमारा फोटो। फोटो के बाद आ जाता है ग्लू पेन वगैरह, आपको जो फॉर्म वहाँ भरवाया जाता है तो वहाँ पे कोई जल्दी देता नहीं है, तो आप अपना ग्लू पेन वगैरह आप अपने साथ लेके जाएं तो ज्यादा बेटर होगा। सारी चीजें आपको वहाँ पे जल्दी प्रोवाइड नहीं होती हैं, जल्दी मिलती भी नहीं है सेंटर्स पे। कर लेते हैं हाइट में, अगर छूट आप चाहते हैं मतलब आप अपनी हाइट में वो छूट चाहते हैं, रिलैक्सेशन अगर लेना चाहते हैं, तो जिसमें आ जाता है हमारा जो ST कैंडिडेट है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे OBC और SC नहीं, यहाँ पे जितने भी ST कैंडिडेट्स हैं उनको अपना जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लेके जाना है। ST वालों को ही वो हाइट में छूट मिलने वाली, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना है, सेंट्रल का हो स्टेट का हो वो कोई भी हो चल जाएगा। ST कैंडिडेट जितने भी उनको हाइट में छूट के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है। अगर दोस्तों अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तब क्या करें, तो हम आपको बताना चाहेंगे वहाँ पर 3 दिन का समय जो है, जैसा कि देखा गया सेंटर्स पे 3 दिन का समय दिया जाता है, सेंटर वाले जो मतलब वो सेंटर के ऊपर डिपेंड होता है, सेंटर मतलब टाइम देता है कि नहीं देता है, तो आपको 3 दिन का आराम से टाइम मिलेगा। 3 दिन के आप अपने जो सेंटर पे जाके दोबारा वो सबमिट कर सकते हैं अगर आप जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PET की फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो भी हमारा ये ITBP में होता है उसमें क्या क्या होने वाला है, आपको जल्द ही कंप्लीट वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। जल्दी आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, आपकी जो है वो लॉन्ग जंप कितनी होने वाली है, कितनी फिट होने वाली है, और हाई जंप कितना है, और रनिंग कितना है, सारी डिटेल्स हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी एकदम सही सही जानकारी मिल जाए, आपको कोई जो है वो आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो दोस्तों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी पूरी सहायता की जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।